माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इंडेफिनिट इंटीग्रल के तीन इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हम डिराइव करने वाले हैं, तीनों फार्मूलाज मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब हम इनके डेरिवेशंस देखते हैं। जिनमें स्क्वायर रूट नहीं था वो भी तीन फार्मूले होते हैं, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों इंटीग्रल्स मैंने किए हुए हैं, आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देखेंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब आपको पहला इंटीग्रल, तो पहला इंटीग्रल के लिए हमें x की जगह a साइन थीटा रखने की ज़रूरत होगी, x की जगह a साइन थीटा। तो अगर x की जगह a साइन थीटा रखेंगे तो आप इसका फ़ायदा भी देखेंगे कि dx by d थीटा कितना होगा, a cos थीटा d थीटा। अब आपको वो फ़ायदा जो दिखने वाला है वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि लेट द इंटीग्रल बी इक्वल टू आई, आई की देखिए dx का वैल्यू होगा a cos थीटा d थीटा, जो dx by d थीटा है वो d थीटा मैंने यहाँ भेज दिया, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लें, वन माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, a cos थीटा d थीटा अपॉन में आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर इज ए, ये ए कैंसिल, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और बीइंग इन स्क्वायर रूट इट बिकम्स कॉस थीटा कैंसिल, इंटीग्रल बचेगा वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इंटीग्रल ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं या आप ऐसा समझना चाहें ऐसा समझ लीजिए, इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों कैंसिल हो गए, थीटा आ गया प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा विच वी कैन राइट एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, और साइन उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आपका इंटीग्रल आ गया दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बहुत पॉपुलर इंटीग्रल है ये वाला, आपने देखा होगा, ये आपको डायरेक्ट याद होगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये जानते हो आप किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स का, ये लगभग उससे मिलता जुलता है, यहाँ वन है यहाँ पर ए स्क्वायर है। तो आप ये देखिए कि वहाँ वन है यहाँ पर ए स्क्वायर है, बाकी कोई खास अंतर नहीं है। तो ये इसका डेरिवेटिव आपको, इसका साइन इनवर्स एक्स का ये मालूम है, देयरफॉर इसका इंटीग्रल आपको ये मालूम है। लेकिन इसका यूज़ अब हम इस तरह से करेंगे कि वन अपॉन अंडर रूट, यहाँ ए की जगह वन नहीं हो, टू हो, फोर हो, सेवन हो, कुछ भी हो, तब ये फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो इसकी लिमिटेशंस थी, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब दूसरा केस है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ऐसी आइडेंटिटी टेंथ क्लास की हमको लगाना है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कोई आइडेंटिटी बने। तो वो बनने वाली आइडेंटिटी होती है एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। क्यों? क्योंकि जब मैं ए सेक थीटा रखूँगा यहाँ पर तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेकेंड वाले का इंटीग्रल है, एक्स की जगह रखना पड़ेगा ए सेक थीटा, इसमें क्या रखना पड़ेगा आपके मन में आ रहा होगा, तो इसमें आप सही सोच रहे हैं, इसमें आपको एक्स की जगह ए टेन थीटा रखना पड़ेगा। आप ए टेन थीटा भी रख सकते हैं, ए कॉट थीटा भी रख सकते हैं, इसमें भी ऐसा ही है, ए सेक थीटा भी रख सकते हैं, ए कोसेक थीटा भी रख सकते हैं, जो पिछला इंटीग्रल गया उसमें ए साइन थीटा भी रख सकते हैं, ए कॉस थीटा भी रख सकते हैं। ए कॉस थीटा रखने से जो पिछला इंटीग्रल है उसमें क्या चेंज आएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के और बताएं। डी एक्स की वैल्यू देखिए, डी एक्स बाई डी थीटा विल बी ए सेक थीटा टेन थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा, डी थीटा को आप इधर भेज दीजिए। ये इंटीग्रल मान लीजिए आई है, यहाँ डी एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा टेन थीटा अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा
माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, ए सेक थीटा यहाँ पर, यहाँ पर, और डी एक्स की जगह यहाँ पर क्या रख दिया, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब देखिएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, अंडर रूट में ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए, ए ए कैंसिल, अपॉन में अंडर रूट में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, आइडेंटिटी लगने से सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट हटेगा तो वो हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रल होगा दोस्तों लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट के। अब हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है सेक थीटा को, ध्यान से देखें, हमने सब्स्टिट्यूट किया है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, इसलिए x अपॉन a की वैल्यू क्या होगी सेक थीटा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा की तो वैल्यू आप लिख पाएंगे x अपॉन a, पर टेन थीटा के लिए क्या करेंगे, तो आप टेन थीटा को ऐसा लिख दीजिए अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के। अब ध्यान से देखें सेक थीटा की वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन ए, तो सेक थीटा की जगह एक्स अपॉन ए सब्स्टिट्यूट करिए और बेस ई रहेगा एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वन प्लस के इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस रूट, एलसीएम ले ले एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और अपॉन में आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और अंडर रूट से अगर बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा ए, या अभी मैं चाहें तो आप ऐसे ही लिख देता हूँ, मैं इसको ए स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे ए प्लस के लॉग ऑफ। अब दोनों को मैं क्लब कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या बन चुका है ए प्लस के, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे आप तो हो जाएगा एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस के, के और लॉग ए दोनों एक कांस्टेंट है, लॉग ए कांस्टेंट है के इज अनदर कांस्टेंट, देयरफॉर के माइनस लॉग ए इज अ कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को सी लिख देते हैं, उस कांस्टेंट को सी लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारे कांस्टेंट लिखने का मतलब नहीं है, तो इसे हमने सी लिख दिया। तब आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, क्वेश्चन जो फॉर्मूला नंबर टू था वो भी अब डिराइव हो चुका है दोस्तों। अब फॉर्मूला नंबर थ्री देखते हैं, तो फॉर्मूला नंबर थ्री के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना होगा ए सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा आप इधर भेज दें, इसको मान ले कि इंटीग्रल किसके बराबर है ये आई के बराबर, आई इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स का वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे और स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो वो ए हो जाएगा, अंदर हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ए से ए कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट हटेगा तो सेक थीटा, सेक थीटा का इंटीग्रल वही जैसा पहले था लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस
के, के इज व्हाट, एन इंटीग्रल कांस्टेंट। अब हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है उस पर फोकस करें। सब्स्टिट्यूट हमने किया है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होगा एक्स अपॉन ए। तो हम क्या करें, टेन थीटा की जगह तो रख देंगे, सेक थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं टेन में, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ सेक थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख के, प्लस टेन थीटा प्लस के लॉग ऑफ बेस ई एल एन भी लिख सकते हैं आप, वन प्लस टेन थीटा का वैल्यू इसको आप क्या लिख सकेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट, ये पूरा स्क्वायर रूट में, तो ए स्क्वायर आएगा, अगर अंडर रूट हटा देंगे तो वो ए हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस के, क्या लिख सकेंगे आप, लॉग रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस के। अब लॉग की अगर प्रॉपर्टी आप लगा देंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, लॉग एम अपॉन एन को लिख सकेंगे आप लॉग एम माइनस लॉग एन, ये लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस लॉग एन प्लस के, के माइनस लॉग ए इज अनदर कांस्टेंट, कैन बी रिप्लेस बाय सी, ये आ गया आपके पास इसका आंसर, इसका इंटीग्रल। तो दोस्तों होप कि आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक बात पहुंचा दें, आगे तक बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी आपसे यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इसे आगे तक बढ़ाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, सारी चीज़ें सीखें। इंटीग्रल में कुछ भी नया सीखना हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, और ढेर सारी एजेंसी से भी अवार्ड मुझे मिला हुआ है, और मेरी बेस्ट विशेस हैं आप आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।